दोस्तों जी स्टूडियोज वाले बॉलीवुड के साथ साथ पंजाबी फिल्म को भी काफी अच्छा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये बात मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि इन्होंने आज एक नई फिल्म का ट्रेलर डाल दिया है जिसका नाम है मैं व्या नहीं करूँ ना तेरे नाल। इस फिल्म के जो कुछ गाने हम पहले ही सुन चुके हैं, लेकिन फिल्म का ट्रेलर आज ऑफिशियली रिलीज हो चुका है और फिल्म में हमें सोनम बाजवा देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ गुरनाम। तो दोस्तों फिल्म का ट्रेलर किस प्रकार का हमें देखने को मिला है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फिल्म हमें 4 मार्च 2022 को देखने को मिलने वाली है, यानी कि दोस्तों नेक्स्ट मंथ, जो कि वर्ल्ड वाइड इसका प्रीमियर देखने को मिलेगा, जहाँ तक ये फिल्म थिएटर में ही रिलीज होंगी। दोस्तों इस फिल्म में सोनम बाजवा हमें देखने को मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और गुरनाम, ये दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी फिल्म में अच्छी खासी दिखाई गई है, जहाँ पर जो गुरनाम हमें देखने को मिल रहा है वो कैनेडियन यूट्यूबर है जो कि अपने गाँव यानी कि पंजाब में आए हुए हैं, और ऐसे में उनकी मुलाकात हो जाती है दोस्तों जो हमारी सोनम बाजवा है उनसे। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी अच्छी देखने को मिली और फिल्म में कॉमेडी भी अच्छी खासी होने वाली है, क्योंकि ट्रेलर से ये बात अच्छी तरीके से साबित हुई कि फिल्म में कॉमेडी भी देखने को मिलेंगी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। वैसे दोस्तों इस फिल्म की जो हमें पंजाबी लैंग्वेज देखने को मिल रही है वो हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप अगर आप हिंदी फिल्म को देखते हैं तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, इसमें कुछ हार्ड वाली बात ही नहीं है। और दोस्तों ट्रेलर के बारे में बात करूँ तो ट्रेलर काफ़ी अच्छा बनाया गया है, जहाँ पर कुछ कुछ अच्छे अच्छे गाने भी डाले गए ट्रेलर में, जो कि आपको और भी ज़्यादा एंटरटेन करने वाले हैं फिल्म में। दोस्तों मेरे हिसाब से फिल्म के गाने नेक्स्ट लेवल के सुपरहिट होंगे, क्योंकि गाने ज़्यादा बढ़िया अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, देखते जब फिल्म 4 मार्च को रिलीज हो जाएंगी तो क्या कुछ कमाल कर पाती है। वैसे दोस्तों जी स्टूडियोज़ वाले के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी फिल्म को भी वो प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, आप एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।